कह रहा है कि किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया तथा इसी प्रकार अन्य, मतलब इसी तरह से कर्मचारी डेली 4-4 घटते जा रहे। अन्य कार्य को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगाते हैं। ये अब कार्य को पूरा करने में कितने लगाते हैं? 8 दिन अधिक लगाते हैं। अब ये कार्य को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगाते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य जो है पूरा किया गया। मान लेते हैं, माना कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर में x दिन मान लेते हैं, ठीक है, x दिन लगते हैं मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 8 दिन अधिक लगा है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो प्रश्न से पहले 150 कर्मचारी लगे हैं, अगले दिन 4 छोड़ दिए, तो 100 कितने हो जाएगा? 46। फिर अगले दिन 142, फिर इसी तरह से कहां तक? तो x प्लस 8 पदों तक। आप कहोगे सर ये x प्लस 8 क्यों हुआ? तो x क्या है? x नंबर ऑफ डे है जिसमें काम पूरा हो रहा है और 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इतना पद तक जाना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे घटते 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 कर्मचारी x प्लस 8 दिन तक होंगे, समझ रहे ना बात को? ये नंबर ऑफ डेज को इंडिकेट कर रहा है ना x, तो 8 दिन और बढ़ गया, यानी कि 150, 146, 142, इसी तरह से 138, ऐसे घटते 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 गए, ये टोटल पद कितने होंगे? x प्लस 8 पद तक जाएंगे और बराबर में कितना हो जाएगा? तो 150 और गुना में नंबर ऑफ डे x, तो गुना हो जाएगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हुए? ये टोटल नंबर ऑफ आपके कौन है जी, कर्मचारी जो है, वर्कर जो है वो हुए, और ये भी आपका टोटल जितना दिन में काम होगा उस वो नंबर ऑफ वर्कर से, और ये भी टोटल जितना दिन काम हुआ उसके नंबर ऑफ वर्कर है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। चलिए, तो इसका योगफल आप लोग निकाल सकते हैं ना, इसका योगफल, तो टोटल x प्लस 8 पद है, x प्लस 8 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुना में एक जगह पे 150 मैं रख देता हूँ, प्लस पदों की संख्या x में प्लस 8 है और माइनस में 1 और d का मान यहाँ से घटाओगे माइनस का 4 आ जाएगा बराबर में 150x, यही ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये दो जो भाग में है इसको रहने देते हैं, अगले स्टेप में देखा जाएगा। x प्लस 8 बाई 2 चाहे उधर भी भेज सकते थे, यहाँ 300 हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं इंटू कर लू या पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, x प्लस 7 हो जाएगा ना, घटेगा तो 7 हो जाएगा और इंटू में माइनस 4 बराबर में 150x। 8 प्लस x प्लस 8 बटा 2 ब्रैकेट में 300 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x और माइनस का 28 बराबर में 150x, ठीक है। चलिए आगे देखिए, काम करता हूँ, यहाँ घटा लेता हूँ, x प्लस 8 बटा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे घटाओगे तो 300 में से कितना है जी, तो 300 में से आपको घटा लेना है 28, तो क्या जाएगा 272 ना, 272 और माइनस का 4x बराबर में 150x। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन कर सकता हूँ कि नहीं? 4 कॉमन कर सकता हूँ ना, चलिए 4 कॉमन करता हूँ, ठीक है, तो 4 कॉमन करूंगा, तो x प्लस 8 बटा में 2 यहाँ पे इंटू में 4 हो जाएगा, अंदर बचेगा 68 माइनस का x और बराबर में 150x। इसको मैं काट दूंगा दो बार में, अब इस दो को उधर भाग में ले जाता हूँ, तो x प्लस 8 इंटू में 68 माइनस x बराबर में निकल जाएगा 150x/2, यही ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसे, यहाँ कट जाएगा आपका 75 आ जाएगा, यहाँ इंटू करते हैं 68x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 68 में 8 से गुना कर दोगे, ठीक है, 68 में 8 से गुना कर दोगे कितना जाएगा 544 आ जाएगा और माइनस का 8x और इसको भी इधर आते हैं माइनस का 75x बराबर में 0, समझ में आया ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर 68 में से, अच्छा ये दोनों जोड़ोगे, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 83 होगा ना, 83 में से 68 घटा देंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15x और प्लस का 544 बराबर में 0, ठीक है।
चलिए माइनस इसमें गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 544 बराबर में 0। अब यहाँ इसका गुणनखंड कर दिया जाए, चलिए गुणनखंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस का 32 और माइनस का 17 और माइनस 544 घटाएंगे तो देख लो 15 आ जाएगा और गुना होगा तो इसके इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। एक्स कॉमन करो, एक्स प्लस 32 यहाँ पे माइनस का 17 कॉमन करो, एक्स प्लस 32 दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक्स प्लस 32 को बाहर निकाल दो, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से एक्स के दो मानेंगे, एक तो माइनस का 32 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है और एक्स का 17 आएगा, है ना, क्योंकि दिनों की संख्या धनात्मक होगी ना, अरे एक दिन दो दिन कुछ होगा ना, माइनस में थोड़े दिन होगी, धनात्मक होगी इसलिए x बराबर में 17। तो x का मान 17 आ गया, ठीक है, 17 दिन कंप्लीट करने में काम को लगेगा, लेकिन 8 दिन एक्स्ट्रा लग जाता, तो कुल दिनों की संख्या तो 17 और प्लस में जो 8 दिन था, यानी 25 दिन टोटल लगेगा। समझ गए ना क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यही पिन करते हैं, आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।